हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कल मैंने तरबूज लाया था तो मैं इस तरीके से तरबूज काट रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप सभी को मैं बता दूं कि मैं तरबूज को ऐसे काटती हूँ, और आपको कैसा लगा ये तरीका मुझे बताना। आप शायद ये तरीका बहुत कम लोग यूज करते हैं और टेस्टी था। पिछली बार लाया था 1 हफ्ते पहले, वो इतना वाइट वाइट सा निकला था। ये वाला तो रेड है और मीठा भी था। बस आजकल कुछ खाने को मन नहीं होता, और ये मैं काट रही थी यहाँ पे कद्दू की सब्जी, क्योंकि कद्दू बनाना था। ये मैं बेड पे बैठ के ऐसे ही काट रही थी चॉपर बोर्ड पे, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने भी मना किया हुआ पाँव के ऊपर ज़्यादा वजन डालने के लिए, और मुझे दर्द भी हो जाती है अगर मैं ऐसे ही किचन के पास ज़्यादा देर खड़ी रहूँ। तो ऐसे ही मैं बैठ के काट रही थी इसको, कद्दू की सब्जी को। और आप बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके सपोर्ट के अब बिना एक कुछ भी प्याज नहीं मैं काट है। रही थी। ये भी मैंने चॉपर बोर्ड पे ही काटा था। इस पे बहुत अच्छी कटिंग होती है, मैं बहुत कम यूज करती हूँ इसको। पर बहुत अच्छी तरह कटता है इसके ऊपर, जो मर्जी काट लो, टमाटर काट लो, प्याज काट लो, कोई भी सब्जी काट लो, बहुत अच्छे से कटता है इस पे। ये मैंने साबुत धनिया को पीसा था, मतलब गरम किया इसको तवे के ऊपर मैंने, फिर मैं इसको ऐसे पीस लिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा पैसा नहीं हुआ। मेरे मशीन मिक्सी खराब हुई भी, उसके जार खराब हुए मिक्सी के, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही साथ में पीस लेती हूँ। और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है ऐसे। तेल मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था, फिर गर्म करके मैंने दोबारा से गैस बंद कर दी थी। मैंने तेल डाला था, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा और ये धनिया डाल दूंगी। ये डाल दी मैंने इसमें मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का। और 1 चम्मच नमक का। और ये 1 चम्मच ये किचन किंग। अब डालूंगी मैं चॉप किया हुआ टमाटर। अब
अब मैंने इसमें डाल दी मैंने सब्जी, हमारे तो कद्दू बोलते हैं इसको, और कई जगह इसको पेठा भी बोलते हैं, पेठा हमारा दूसरा होता है, तो आप बताना आपके क्या बोलते हैं।
मैंने इसमें डाल दी मैंने सब्जी, हमारे तो कद्दू बोलते हैं इसको, और कई जगह इसको पेठा भी बोलते हैं, पेठा हमारा दूसरा होता है, तो आप बताना आपके क्या बोलते हैं। ओहो